हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती नमस्कार दोस्तों मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और दोस्तों मेरा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक इंसान आसान तरीके से कैसे कामयाब बन सकता है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला जो पॉइंट वर्क ऑन योर सेल्फ फास्ट हाँ दोस्तों पहले अपना आप को सही बनाइए ये दुनिया अपना आप ही सही हो जाएगा पहले अपना आपको सुधर कर लीजिए आपका जो इम्प्रूवमेंट आपका जो क्वालिटी आपका जो स्किल इन सारे चीज़ को पहले सुधार करने के लिए प्रयास कीजिए पूरा दुनिया जब आप सफल होंगे उस टाइम आपका साथ देगा लेकिन आपको अभी क्या करना है अपना आपको अकेला को आपको सुधरना पड़ेगा आपको सुधरने वाला कोई नहीं रहेगा सिर्फ सिर्फ आपकी मेंटर के अलावा दूसरा जो पॉइंट है वर्क ऑन योर यूनिक स्ट्रेंथ हाँ दोस्तों आप एक्सपर्ट है उस चीज के ऊपर आप और और ज्यादा काम करना चालू करिए और ज्यादा खाद दीजिए और ज्यादा फर्टिलाइजर दीजिए उसमें क्या होगा उसमें आपका मास्टरी हासिल होगा जब आपका मास्टरी हासिल होगा आप उस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कर सकते हैं आपकी जरिया से क्योंकि आपका स्किल अच्छा है आपका क्वालिटी अच्छा है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है जिनकी जरिया से आप और भी ऊपर जा सकते हैं इसलिए जिन चीज में आप अच्छा है उसके और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कीजिए राइज योर स्टैंडर्ड खुद को सही साबित कीजिए तीसरा जो पॉइंट है पैसिव अर्निंग हा मेरे दोस्त दुनिया में मैंने जितना सारे सक्सेसफुल इंसान को मैंने देखा है उन सारे लोगों ने सक्सेसफुल इसलिए है कि उन सारे लोगों का मल्टीपल पैसिव अर्निंग का सोर्स था वो एक्टिव एक्टिव इनकम के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है अच्छा एक एग्जाम्पल का तौर पे आपको समझा रहा हूं जैसे कि एक ड्राम में क्या करेगा बहुत सारे नॉल की जरिया से पानी अगर डालोगे तो जल्दी भर्ती हो जाएगा ना उसी सेम टू सेम एक इंसान एक रिचेस्ट इंसान जब काम करता है ना उसका जो बैरल होता है ना जो ड्राम होता है ना वो बहुत सारे पैसिव अर्निंग का ऑप्शन रहता है जिनके जरिए से बहुत सारे जगह से पैसा आता है चौथा जो पॉइंट है रूट और नीप हाँ दोस्तों आपका रूट को पहले सही करना पड़ेगा आप किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहता है तो आपको अपना जो रूट्स है उसको सही करना पड़ेगा आपको बेसिक्स को सही करना पड़ेगा तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते जब तक आपका अपना जो रूट्स है उसको जब तक आप सुधर नहीं कर सकते तो आपको पहले रूट को सही करना पड़ेगा तभी आपको बढ़िया फ्रूट मिलेगा पांचवा जो पॉइंट है एनालाइसिस योर सेल्फ दोस्तों अब हर दिन क्या कर रहा है कहा गलती हो रहा है इन सारे चीजों को अपना आपको देखना है रात में सोने सोने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा उसमें क्या होगा आपका जो जितना सारे गलती है ना उसमें पूरा पकड़ आ जाएगा क्या आपने कहाँ गलती किया कहां कहां सुधर करना चाहिए वो आपको बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा तभी आप धीरे धीरे उसको सुधर कर सकते हैं और अपना को एनालिसिस करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं पांचवा जो पॉइंट है हाँ दोस्तों सही सुनो सुना आपने आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा चाहे दुनिया का वो किसी भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे गेमिंग चाहे एडुकेशन चाहे पॉलिटिक्स किसी भी प्रकार लो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्या अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्रैक्टिस करते वक्त अगर वो बैडमिंटन में चला जाता क्या वो सक्सेस पाता क्या विराट कोहली वो भी चला जाता कुछ क्या उसको सक्सेस मिलता नहीं मेरे भाई एक प्लेटफॉर्म में पकड़ के रहो पेशेंस रखो जरूर कामयाबी मिलेगा क्या एक जगह में एक सौ फुट गड्ढा करेंगे तो आपको पानी मिल सकता है लेकिन अलग अलग जगह में दस फुट दस फुट करके अगर गड्ढा करेंगे ना तो आपको कभी भी पानी नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है कामयाबी पाने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा यह बात हमेशा याद रखना है मेरे भाई आपको कामयाब कोई नहीं बनाएगा जब तक आप खुद सीरियस ना ले खुद को सही साबित ना करे किसी माइकल लाल का औकात नहीं है कि आपको कामयाब बना सके सिर्फ खुद का प्रयास रहना पड़ेगा खुद को प्रयास रखना पड़ेगा तब भी आप जिंदगी में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पास रहने वाले बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर एक नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें तभी मिल जाए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू लव यू ऑल मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत